बॉलीवुड की ग्लैमरस व चमक दमक वाली दुनिया के पीछे का काला सच एक बार फिर उजागर हो गया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का कनेक्शन अब ड्रग रैकेट से जुड़ता जा रहा है। ये तो सबको पता है कि बॉलीवुड और ड्रग्स का पुराना व गहरा रिश्ता है। संजय दत्त, रणबीर कपूर, कपिल शर्मा जैसी अनेक मशहूर हस्तियां नशे के मकर जाल में फंसी और फिर उन्होंने रिहैब सेंटर जाकर अपना इलाज कराया। कंगना रनौत और पायल रोहतगी ने तो बॉलीवुड के ग्रे एरिया को एक्सपोज करते हुए साफ साफ कहा है कि यहाँ पर 70% से ज़्यादा एक्टर्स ड्रग्स लेते हैं। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, फाइनेंसर्स जो पिक्चर्स फंड करते हैं उन्हें फिजिकली सेटिस्फाई करने के लिए अपकमिंग एक्ट्रेसेस या स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस का इस्तेमाल होता है और उन्हें ड्रग्स लेने के नाम पर यह कहा जाता है कि अब आप फैशनेबल हो गए हैं। बॉलीवुड की पार्टीज में तो ड्रग्स बहुत ज़्यादा ही चलती हैं और अगर टेस्ट कराया जाए तो बॉलीवुड के आधे से ज़्यादा सितारे लाखों के पीछे होंगे। हम तो यही चाहेंगे कि सुशांत की मृत्यु के साथ एक बार फिर ड्रग्स के खिलाफ जो मुहिम शुरू हुई है वो बॉलीवुड के कचरे को साफ करने में पूरी तरह से कामयाब हो और ऐसा ना हो कि थोड़े दिनों के शोर शराबे के बाद फिर ये उड़ता बॉलीवुड ही बन जाए। इस काले और गंदे काम के खिलाफ सभी लोगों को तब तक आवाज़ उठाते रहना चाहिए जब तक इसका बॉलीवुड से पूरी तरह से सफाया ना हो जाए।